नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो छत के ढलाई तक का पूरा काम किया गया है इसके बारे में पूरे जानकारी देना चाहता हूँ, वो भी वॉक थ्रू के साथ में। तो अगर आप भी छत के ढलाई तक अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो इस बनते हुए घर के लिए जो काम किया गया है इसको आप देख लीजिएगा। आपको अपने बनने वाले घर के लिए अंदाज़ा लगेगा कि आपको काम किस तरीके से कराना है और छत के ढलाई तक का आपका कितना काम हो सकता है। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ रखा गया है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसका फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रंट व्यू 30 फीट का है, इसलिए आप देख पा रहे हो। यहाँ से लेकर वहाँ तक 50 फीट है, मतलब 50 फीट बाई 30 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1500 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है। हालांकि पहले हम लोग इस घर के लिए जो साइड व्यू का काम किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो साइड व्यू में आपको टोटल 3 से 4 विंडो नज़र आता है जो कि बिल्कुल सिंपल वे में बॉक्स डिजाइन के साथ में बनाया गया है। ये जो आप बाहर की तरफ निकला हुआ स्लैब देख पा रहे हो, छज्जा देख पा रहे हो यहाँ पे और वहाँ पे, ये ऊपर वाला तला के लिए, बालकनी के लिए एक्स्ट्रा है, वो निकाला गया है लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का बाहर से। तो जब ऊपर तला में आपको बालकनी बनाना होगा तो नीचे वाला तला में जब आप छत का ढलाई करते हो उसी समय आपको कुछ इस तरीके से स्लैब का कास्टिंग बाहर निकालते हुए करवा लेना होता है। तो इस घर के लिए जो काम किया गया बाहर से, पहले उसको तो हम लोग देख लेते हैं, फ्रंट व्यू भी देख लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर और देखेंगे कि अंदर में किस तरीके से इसका काम किया जा रहा है और कितना तक का इसको बनाने में खर्चा आया है। ये लगभग 30 फीट के आसपास तक का फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हो। हालांकि बारिश स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे है पोर्टिको, यहाँ पे इस घर के लिए पहला रूम देखने को आपको मिलता है। बारिश तेज़ हो रहा है लेकिन आप स्टार्ट कर चुके हैं तो वीडियो को पूरा करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर इस घर के लिए बीम और जो कॉलम है इसका साइज़ 10 इंच बाई 10 इंच का ही रखा गया है। और यहाँ पे भी जो कॉलम आप देख पा रहे हो बीच में, इसका साइज़ भी 10 इंच बाई 10 इंच का ही रखा गया है। चार सरे का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। सामने की तरफ भी जो विंडो है उसका काम भी यहाँ पे बॉक्स डिजाइन के साथ में ही किया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस घर को बाहर से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि छत का ढलाई हो चुका है फिर भी मैं आप लोग के लिए कोशिश कर रहा हूं कि अंदर चलकर दिखाया जाए कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो ये पोर्टिको वाला एरिया है, ये आप देख पा रहे हो लगभग 13 फीट बाई 14 फीट के आसपास तक का ये पोर्टिको वाला एरिया है। कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से आर्क शेप का काम यहाँ पर किया जा रहा है। डिसेंटरिंग के बाद आपको फिर से इसका वीडियो लाऊँगा, दिखाऊँगा, लेकिन चलिए चलते हैं, कोशिश करते हैं कि अंदर में किस तरीके से काम किया जा रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएगा। हालाँकि यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज सीढ़ी का काम किया गया है, आप देख पा रहे हो, वास्तु को मानते हो तो क्लॉक वाइज सीढ़ी आपको बनाना चाहिए। या आपको थोड़ा सा हॉल वाला जगह, फिर आगे आपको डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको वहाँ चलकर दिखा देता हूँ। 14 फीट बाई 12 फीट का उधर पहला रूम, उसके साथ फिर उधर 14 फीट बाई 12 फीट का दूसरा रूम। यहाँ पर कॉमन टॉयलेट और बाथरूम बनाया जा रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पर इस घर के लिए बनाया जा रहा है किचन। आप देख पा रहे हो सिंगल विंडो के साथ, सिंगल वेंटिलेटर के साथ में काम यहाँ पे किया जा रहा है। फिर एक और यहाँ पे आपको रूम देखने को मिल जाता है लगभग 12 फीट बाई 14 फीट के आसपास का। तो 3 बेडरूम के साथ में हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला बनता हुआ ये घर है। हालांकि फ़र्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है, जैसे ही बांस बल्ली इसको हटाया जाएगा उसके बाद इस घर के लिए फ़र्श का काम को किया जाएगा, प्लास्टर का काम किया जाएगा। सारा वीडियो में आप लोग के लिए स्टेप वाइज लाते रहूँगा, दिखाते रहूँगा। तो चलते हैं अब छत के ऊपर और देख लेते हैं कि आखिर किस तरीका से ऊपर में काम किया गया है। कुछ इस तरीका से आपको 3 फ्लाई पार्ट वाला ये आप सीढ़ी यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीका से 3.5 फीट चौड़ा यहाँ पे सीढ़ी का काम किया जा रहा है। और चलते हैं ऊपर, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया। तो छत का ढलाई का काम कंप्लीट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं क्यूरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, तराई का काम चल रहा है। लगभग 14 दिन के आसपास तक का यहाँ पे तराई का काम किया जाएगा। हालांकि पानी आ रहा है तो थोड़ा काम आसान हो गया है क्योंकि बार बार यहाँ पर पानी जो भरने का झंझट है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से इस घर के लिए अब तक का काम किया गया है, इस घर के लिए 4.5 इंच मोटा छत का ढलाई का काम किया गया है। आप जान लेते हैं कि आखिर इस घर के लिए जो छत के ढलाई तक का काम किया गया, इतना काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए इस घर को बनाने में अब तक 11 से 11.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो हो चुका है। याद रहे मैं टोटल खर्चा बता रहा हूँ, जिसमें ईंट, सीमेंट, बालू के साथ सरिया और इसके साथ साथ गिट्टी और मजदूरी चार्ज को भी इंक्लूड किया गया। तो अगर आप भी इस तरीके से अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो 1500 स्क्वायर फीट में, तो आपको कम से कम 11 से 12 लाख के आसपास तक का खर्चा करना होगा छत के ढलाई तक। हालांकि बहुत सारा काम इसमें अभी बाकी है, जैसे कि प्लास्टर का काम किया जाएगा, घर का फर्श का काम किया जाएगा,
फर्नीचर वर्क किया जाएगा, वो सारा काम स्टेप वाइज आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस तरीके से घर को बनाया गया और टोटल फिनिशिंग तक घर के लिए कितना रुपये तक का खर्चा वो किया गया। तो बहुत सारे बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो अगर आप डायरेक्ट साइट से देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप नक्शा बनवाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप मुझसे बात करते हुए अपने घर के लिए नक्शा भी बनवा सकते हो, नंबर अबाउट सेक्शन में दिया गया है।